साहब एक बात बताइए, आपने बताया कि बहन कुमारी मायावती को घर गए और उनको चुना, तो उनको मायावती को ही क्यों चुना? और भी इस देश में बहुजन समाज की, वो एससी एसटी ओबीसी की बहुत सारी महिलाएं थी, उनको क्यों नहीं चुना? हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है और लोग ये सवाल पूछते हैं। आखिर अक्सर कहते हैं कि काशीराम जी ने मायावती जी के लिए काफ़ी आगे बढ़ाया, और ये एक प्रश्न जो हमेशा समाज में चलता है। काशीराम साहब चाहते थे कि एक गरीब परिवार की जो महिला है, वो महिला गरीबों का दुख भी दूर कर सकती है, और दलित समाज की महिला है वो दलितों का दुख दूर कर सकती है, और ये काम कोई खाली पढ़ी लिखी महिला दूर नहीं कर सकती, बल्कि वो उसके अंदर एक कमिटमेंट हो, एक मिशन हो। उन्होंने उनको बामसेफ के माध्यम से उसमें जोड़ करके पूरा मिशन उनके दिमाग में भरा, और उन्होंने कमिटमेंट किया कि मैं इसको पूरा करने के लिए प्रयास करूंगी। तो जिस तरह से उन्होंने संगठन में काम किया, उस समय अकेली यही महिला नहीं थी, और भी महिलाएं मतलब संगठन में काम कर रही थी, लेकिन उसमें जब उन्होंने देखा कि ये संगठन को चलाने में काफ़ी सक्षम है और पूरे डेडिकेशन से ये काम कर रही हैं, उन्होंने काशीराम जी की तरह से अपने परिवार न बनाने का एक लक्ष्य निर्धारित किया कि मैं परिवार को न बना करके एक बहुजन समाज जो काशीराम साहब ने बनाया है उसको अपना परिवार मान करके उसको आगे चलाऊंगी। इसलिए अच्छी बात है कि बहन कुमारी मायावती जी ने अपना ये बहुत बड़ा त्याग किया। ये उनका त्याग किसी से छुपा नहीं है कि उसने अपना परिवार नहीं बनाया, और ये मैं समझता हूँ जिस तरह से काशीराम जी ने अपना कोई परिवार नहीं बनाया और उन्होंने पूरे समाज को अपना परिवार माना, इसी तरह से बहन कुमारी मायावती जी ने भी पूरे समाज को अपना परिवार माना। ये मैं समझता हूँ बहुत कम लोग इतना बड़ा सेक्रीफाइस मतलब कर पाते हैं। कहने के लिए तो बहुत कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो ये बहुत कठिन काम है, और इसको उन्होंने बहन जी ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया है। लेकिन आगे भी हमें उम्मीद है कि जैसे लोग आरोप लगाते हैं कि काशीराम जी ने तो अपने परिवार को विरासत नहीं दी, कहीं ये बहन जी अपने परिवार को विरासत तो नहीं दे देंगी, ये चिंता लोग जरूर करते हैं। और जिस दिन ये विरासत नजर आएगी समाज के लिए कि अपने परिवार की तरफ वो ले जा रही हैं और अक्षम लोगों के लिए विरासत दे रही हैं, तो मैं समझता हूँ ये एक जरूर चिंता का विषय होगा। इसलिए मैं समझता हूँ बहन जी को ये बात खुद ही निर्धारित करनी पड़ेगी कि उनकी जो आगे वाली विरासत है, जिसकी इस समय लड़ाई चल रही है पूरे देश के अंदर, वो एक ऐसे जुझारू व्यक्ति को देनी चाहिए, और वो भी समर्पित, जैसे आप समर्पित हैं, काशीराम जी समर्पित थे, इसी तरह से समर्पित कोई व्यक्ति अगर मिलता है तो उसको ही आगे की विरासत भी ट्रांसफर करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आपने उनका उत्तराधिकार निभाया है काशीराम साहब का, इसी तरह से आने वाला जो व्यक्ति होगा, नेतृत्व होगा, वो भी उसी तरह से निभा सकेगा, और उसमें आपके संरक्षण की भी पूरी जरूरत रहेगी। तो ऐसी मैं बहन जी से अपेक्षा करता हूँ, और ये मैं कामना करता हूँ कि वो समाज की जरूर जो आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करती रहेंगी, और हमारा जो बहुजन समाज है, जो सत्ताधारी समाज काशीराम साहब बनाना चाहते थे, एक सत्ताधारी समाज तो बन गया है, लेकिन उसके लिए सस्टेन करने के लिए, आगे उसको बरकरार रखने के लिए बहन जी के जो निर्णय हैं वो काफी लाभकारी साबित हो सकते हैं। कहते हैं छत टपकती है उस गरीब की, उस गरीब किसान की, फिर भी वो दुआ करता है बारिश की। तो ऐसे ही एक गरीब की बात एक गरीबी समझ सकता है, और साहब काशीराम ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि अगर कोई बहुजन समाज की दर्द को समझ सकता है तो वो एक बहुजन समाज का गरीब व्यक्ति ही समझ सकता है। तो उसी परिवार में से बहन कुमारी मायावती को लेके उन्होंने आज